बांग्लादेश ने जो पार्टनरशिप लगाई है बल्लेबाजों की, बहुत ही कमाल की रही। उनके शुरुआती दो तीन विकेट उनके भी जल्दी गिरे थे, बट यहाँ पे तौहीद हिरदोए, शकीब अल हसन ने छोटी सी पार्टनरशिप लगाई। फिर उनके बाद शामीम हुसैन आते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। फिर बाद में लास्ट ओवर दिया जाता है करीम जनत को और उन्होंने ले ली भाई हैट्रिक। अगर आप हैट्रिक लेके भी हार रहे हो तो भाई आपका तो कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, ये मैच क्या हुआ उसके बाद जितने भी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और तजियाकार हैं, क्रिकेट की जानकारी रखते हैं, उन्होंने जनाब इसके ऊपर धड़ बात करनी शुरू कर दी और वीडियो फेंकना शुरू कर दी, इसके ऊपर अपना एनालिसिस देना शुरू कर दिया। हमारे हत्थे हमारे पास एक व्हाट्सएप वीडियो आई है जी, और बड़ी शानदार ये वीडियो है और कहा गया है कि इसके ऊपर आप प्लीज़ रिएक्शन दें, बात करें। और ये जनाब हिंदुस्तानी मीडिया की वीडियो है और भारतीय मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है कि जनाब तौहीद हिरदोए ये कहाँ था और ये शमीम हुसैन पटवारी इसको कहाँ छुपा के रखा हुआ था बांग्लादेश ने, और जनाब वो शरीफुल इस्लाम, उसके बाद जनाब वो शखैर रोनी तलकदार तो इतना नहीं जलवा लेकिन लेकिन वो रन्स बना रहा है भाई जी, रन बनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक अच्छा प्लेयर है रोनी तालुकदार भी, लेकिन वो कुछ अच्छा कर नहीं पाए लास्ट मैच में। देखें कभी कभार हो भी जाता है इस तरह का, इस पिच के ऊपर इस ग्राउंड के अंदर जो 150 टारगेट देना ही बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर उसे चेज करना हो वो उससे भी डबल डिफिकल्ट हो जाता है। तो अफगानिस्तान ने जैसे तैसे करके ये रन तो बना दिया, ये बांग्लादेश के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था, लेकिन बांग्लादेश ने इस लक्ष्य को अचीव किया है तो ये समझ लें कि ये बांग्लादेश की टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य इस ग्राउंड में जो है अचीव किया है। और इसका जो है राशिद खान तो कह रहे थे कि जी जो ग्राउंड है वो गीला हो गया था, बॉल गीली हो रही थी, इस वजह से ज़्यादा मूव नहीं हो रही थी बॉल, इस वजह से उन्हें इसका बेनिफिट मिला और उन्होंने चौके छक्के जड़े हैं हमें। और हम कहते हैं कि देखें अगर गीला होता तो, अगर ज़्यादा गीला होता है ग्राउंड तो ऑफ कोर्स कोई खिलाड़ी कोई प्लेयर स्लिप होता है तो कोई चीज़ सामने आती है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं रहा। तो बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की थी कि शुरू में तो बांग्लादेश के मैच से हाथ से मैच जा चुका था, लेकिन फिर से आया हाथ में, फिर गया, लास्ट ओवर में भी फ्लैक्चुएट कर रहा था ऐसे मैच के भाई पता नहीं कौन जीतेगा। ये सनसनी खेज मुकाबले मरहले में जा चुका था, बांग्लादेश हार भी सकता था, अगर हारता तो इसका सारा बाय चांस खेल, बिल्कुल अगर बांग्लादेश मैच हारता तो इसका आप क्या समझते हैं किसको कसूरवार ठहराया जाना था? देखें क्रिकेट के ऊपर मैं तो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा, मेहंदी हसन मिराज ने वहां पे अगर अकलमंदी दिखाई होती तो बांग्लादेश इतने सनसनीखेज मरहले में नहीं दाखिल। अच्छा मैं कुछ और बात करने जा रहा हूं जी, क्रिकेट में आप जब लड़के हारते हो ना जी, या आप जीत भी जाते हो या हार जाते हो तो वो हार नहीं होती, क्योंकि आप लड़ रहे हो। कल अफगानिस्तान ने देखें मैच में जान डाली है, बिल्कुल ऐसा ही है, यानी आखिरी ओवर तक वो मैच को लेकर मैच लड़ा है उन्होंने बहुत, और तीन खिलाड़ियों को लगातार आउट किया करीम जन्नत ने। तो मेरे ख्याल में जो मैच इतने क्लोज होते हैं वो कभी भी ब्लेम नहीं आप कर सकते किसी भी एक खिलाड़ी के ऊपर, मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच था जी, अच्छा मैच था। तो इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या कह रहा है वो सुनते हैं पहले, फिर इसके ऊपर हम मजीद भी बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। 3-2-1 एंड क्यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में बहुत ही धमाकेदार मुकाबला हुआ, उसको हम रिव्यू करेंगे। तो भाई बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में पहला T20 किसी मूवी से कम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कभी बांग्लादेश का पलड़ा भारी कभी अफगानिस्तान का पलड़ा भारी, और नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था और कभी तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बांग्लादेश जीत ही नहीं सकता, वहाँ से बहुत धमाकेदार उनकी बल्लेबाजी। इस मैच को जानेंगे हम शुरू से। भाई शुरुआत तो यहाँ बांग्लादेश की अच्छी हुई थी गेंदबाजी में, 52 रन पर 4 विकेट अफगानिस्तान के गिरा दिए थे, बट उसके बाद पार्टनरशिप लगती है मोहम्मद नबी और उमर जाई की और ये लगा देते भाई 150 प्लस का टोटल, जहां 120 130 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। और इस ग्राउंड की हिस्ट्री रही कि यहां पे कोई बड़ा स्कोर चेज नहीं होता, 150 भी यहां पर बहुत डिफिकल्ट होता है।
बट यहाँ पर अफगानिस्तान ने जैसे तैसे बना दिए और यहाँ पर उन्होंने रडार पे लिया था स्किन अहमद और शाकिब अल हसन को। शाकिब अल हसन ने दो विकेट तो लिए, शाकिब अल हसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लास्ट में उनको दो सिक्स पड़े, नहीं तो उनकी और बेटर गेंदबाजी हो सकती थी यहाँ पर। और फिर बांग्लादेश की बल्लेबाजी आती है, तब फजल अक फारूकी अपनी फुल फॉर्म में रहते हैं और यहाँ पे नजमुल हुसैन शांतों के सामने फिर वो अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर फिर अफगानिस्तान ने बहुत सारे बॉलर्स का यूज़ किया जो कि उनके ऊपर ही पासा उल्टा पड़ गया। यहाँ पर उनकी गेंदबाजी थी, जो बॉलर्स का रोटेशन था वो गलत हो गया, बट यहाँ बांग्लादेश ने जो पार्टनरशिप लगाई है बल्लेबाजों की बहुत ही कमाल की रही। उनके शुरुआती दो तीन विकेट उनके भी जल्दी गिरे थे, बट यहाँ पे तौहीद हिरदोए शकीब अल हसन ने छोटी सी पार्टनरशिप लगाई। फिर उनके बाद शामीम हुसैन आते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। फिर बाद में लास्ट ओवर दिया जाता है करीम जनत को और उन्होंने ले ली भाई हैट्रिक। अगर आप हैट्रिक लेके भी हार रहे हो तो भाई आपका तो कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम के जो गेंदबाज है करीम जनत, उन्होंने लास्ट ओवर में हैट्रिक ली, उसके बावजूद हार गए। बांग्लादेश यहाँ पर दो विकेट से बहुत ही कांटे का मुकाबला जीती। अफगानिस्तान की काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी यहाँ पे, फील्डिंग को और इम्प्रूव करने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा और प्रेशर बनाना चाहिए था बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर। सही समय पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं किया, राशिद खान से कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक हो गई, नहीं तो ये मुकाबला अफगानिस्तान आराम से निकाल सकता था। पर बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा दिलेर बल्लेबाजी की और बॉलिंग भी उतनी ही शानदार की। अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पर जो बल्लेबाजी में जो शमीम हुसैन और तौहीद हिरदोए ने बल्लेबाजी की है, पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया। मोहम्मद नबी इस मुकाबले के हाई स्कोरर रहे, बट उनको किसी ने साथ ही नहीं दिया। अगर कोई उनको 40-50 रन का एक और प्लेयर मिल जाता, चाहे तब के नजीबुल्ला जादर या फिर रहमानुल्ला गुरबाज या फिर राशिद खान, इनमें से कोई एक स्कोर लगा देता तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और ऊपर जा सकता था। बट यहाँ बांग्लादेश ने बहुत ही कमाल तो देखा है कि किस तरह से वो कह रहे हैं, वो अफगानिस्तान की टीम को वो एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी जो है फील्डिंग उसके ऊपर भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी आपको। राशिद खान से कहीं ना कहीं चूक हो गई है, जिस वजह से बांग्लादेश ने उसका फायदा उठाया। और लेकिन देखिए, फील्डिंग से बांग्लादेशी बैटिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक कैच जो छूटा है शमीम हुसैन पटवारी का, वो मिस्टेक हुई है उनके फील्डिंग से, वो बहुत बहुत बड़ा चेंज माना जा सकता है। ऐसा भी मुझे लग रहा था कि जो बॉलिंग में शफलिंग कर रहे थे ना शाकिब जी, इतने बॉलर उन्होंने शफल किए, चेंज किए, तो समझ में नहीं आया अफगानिस्तान के बैटर्स को भी किसको कैसे खेले, यानी उनको संभलने ही नहीं दिया। जिस तरह मोहम्मद नबी फॉर्म में थे वो कुछ भी कर सकते थे उस वक्त, वो बहुत बहुत दिलेरी से। अब शुरू के बैटर्स को देख लें, गुरबाज को देख लें और उसके साथ हजरतुल्ला जाजई को देख लें, यानी उनको उन्होंने खुलकर खेलने नहीं दिया। वो बेचारे करते तो फिर क्या करते भाई। एंड में आया उमर जई, उसने भी भाई आके शकीब अल हसन को दो छक्के लगा दिए, ये बहुत बहुत ही लेकिन वो बैटिंग तो अच्छी कर गया उमर जई जी, उमर बॉलिंग उतनी बुरी बॉलिंग में उसने पिटाई खाई उतने, उसने मेरा ख्याल 22 रन जब ओवर में पड़ा है ना उमर जई को, तब वो मैच टर्निंग पॉइंट था। मैं मेन उसे ही कहूंगा कि मैच का मेन टर्निंग पॉइंट वही था जब उमर जई को 22 रन जो है एक ओवर में पड़ा था, तब आई थिंक 11 रन का डिफरेंस रह गया था 51 बॉल्स पे, जो है आई थिंक 52 रन चाहिए था 41 बॉल्स पे, इस तरह का कोई फिगर था। तो ये जो है बहुत बहुत कांटे का मुकाबला रहा है। आपको ये मुकाबला कैसा लगा और इंडियन मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे उनका ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, इस बारे में भी आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।